किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा से क्यों घबराते हो? लोग तो मेरी भी निंदा करते हैं, कोई मुझे माखन चोर कहता है तो कोई रणछोड़, कोई मुझे महाभारत के होने का कारण मानते हैं तो कोई मुझे छलिया कहता है। निंदक नियरे राख, ये एक दोहा है जिसका अर्थ है कि हमें अपनी निंदा करने वालों को अपने पास रखना चाहिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस दोहे का अर्थ है, जो लोग हमारी निंदा करते हैं उन्हें अपने पास रखना चाहिए। निंदक की निंदा से बिना पानी और साबुन के भी हमारी कमियां साफ होती है। निंदक की बुराइयों से हमारी गलतियों में सुधार आता है और स्वभाव साफ होता है। निंदक हमें हमारी बुराइयों का ज्ञान कराता है और हम उन्हें दूर कर लेते हैं। हमें अपनी आलोचना करने वालों से कभी नहीं घबराना चाहिए, बल्कि उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। निंदक लोग आपकी कमियां रूपी मैल को हटाने के लिए साबुन का कार्य करते हैं। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेता है उन्हें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य को मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अंत में मैं नंदू सैनी इतना ही कहूँगा कि जब तक सफलता ना मिले, कोशिश करते रहे और रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखते रहे।